मित्रों आ बादरा तालुका ने लुणा गामनी बीटीएल रिसर्च लैब कंपनी छे। बीटीएल रिसर्च लैब कंपनी में एक आ कामदार ने धक्का मूकीने काढ़ी मूकवामां आवे ए प्रकारनी कामदारनी रजूआत के वात हती, परंतु अहीं आगळ जे पण अत्यारे जोई रह्या छे तेना लीधे तमाम कामदारोने अत्यारे अंदर धक्का मारी रह्या छे, कही रह्या छे के अहींथी अंदर जाओ। शुं अहीं आगळ इश्यू छे सर? आप आंसर दे दीजिए, हम कुछ गलत नहीं करें। जो जो हुआ इंसिडेंट वही बना, आप गलत हो तो भाग लीजिए, मुझे कोई इश्यू नहीं। एक मिनट बात सुनो, मेरी बात में आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, बात करो। आप अगर गलत हो तो चले जाइए। नहीं नहीं बोलिए, ठीक है सर, आप गलत है तो चले जाइए। अगर आप सही है, मैं आपकी कंपनी के प्रीमाइसेस में तो बाहर ही खड़ा हूँ, मैं थोड़ी अंदर एंटर जबरदस्ती कर। ये लड़के ने फोन किया, ठीक है, दूसरे भी लड़कों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि इसके साथ जो बर्ताव हुआ, अपने सरकारी रेट नहीं दे रहे हैं, इनका पीएफ नहीं कटा जा रहा है, ईएसआई जो होता है वो नहीं कटा जा रहा है, उसमें आप क्या बता? आप बोल रहे हो दो तीन लोगों का सर नहीं होता जो नए लड़के आते हैं, जिसकी अभी ट्रेनिंग है उनको नहीं हम देते हैं, बाकी जो ट्रेंड हो चुके हैं उनको हम देते हैं। अच्छा, मतलब अपने पास अनट्रेंड कितने लोग हैं? जितने पास देखो सिखाया अभी सिखा रहे हैं, कोई दो साल से कोई एक साल से अभी सिखा रहे हैं। उसको कितना सैलरी? उसको जो है सर किसी को 350 भी है, किसी को 325 भी है, किसी को 400 भी है। अच्छा, 325 350 अपने दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं सर, 400 भी देते हैं सर। अभी आपने खुद जिनके साथ बात की, वो खुद बता रहे हैं कि 461 वो सफाई कर्मचारी को भी देना है। वो बात ठीक है, लेकिन आप ये बात सच मान रहे हो कि गलत? मैं गलत बोल रहा हूँ, आज कानून बताया इन्होंने मेरे को, लेकिन जो ये लोग कहते हैं अप्रेंटिस में डाल दो उनको, जो सीखने आता हूँ अप्रेंटिस में डालना चाहता हूँ, तो अप्रेंटिस में डाल दो। मतलब आपने किसी को अप्रेंटिस करवाया नहीं? नहीं, अभी एक दिन आए थे डालने के लिए, लेकिन उसे उसके बाद ना यहाँ पे था नहीं। 6,000-7,000 किलो कौन पकड़ा? 6,000-7,000 किलो पकड़ा। ये तो अभी एक महीना हुआ, इसको भी एक महीना हुआ है। दर्शक मित्रों आनो 290 रुपये पकड़ा, एक महीना हुआ अभी इसको। आप भी आपके पास अगर कोई ट्रेनिंग वाला भी बंदा है तो उसको कितना पैसा मिलेगा? उसको पूरा महीने का जो है ना हमें बताया था कि कोई 4,000-5,000 रुपये। अच्छा, मुझे ये बताइए आपने इसको ऑफिशियली ट्रेनिंग में रखा है? ऑफिशियली मतलब हम तो इसका हाजिरी लिखते हैं ना सर। सर अगर किसी को भी अपने ट्रेनिंग देते हैं ना तो उसको वो फॉर्म में भूल गए उसका नाम, हाँ, वो फॉर्म फिलअप करना है, उसको ऑफिशियली 3 साल का वो अप्रेंटिस देना है। आपने अपोलो टायर में भी देखा होगा, नहीं एक बंदे को 15-15 साल अपोलो टायर अप्रेंटिस करवा रही थी, उसमें भी हमने लड़त लड़ी है, ठीक है, उसमें भी जो भी करना था उन सबका सैलरी आज 20-22 हज़ार हो चुका है, क्योंकि कंपनी गलत कर रही थी। तो इस बंदे का भी जो इश्यू है उसको सॉर्ट आउट करके ले लेंगे सर, लोकल हम ले लेंगे, सरकारी रजाओ आवे छे ने 15 ઓગસ્ટ છે 26 ઓગસ્ટ છે એ આવતા નથી, એ તહેવાર બધા નથી, અને ધમકી કેવી આપે છે? ધમકી કેવી આપે છે? રવિવાર ભી ભરવાનો, એ દિવસ આવે ને એ દિવસ ના આવે ને એને રવિવાર રૂલ હૈ, અમકરપુરા કા ભી રૂલ હૈ કે જો અપના સર સરકારી છુટ્ટી કિસી કો ભરની ચાહીએ એસા કોઈ રૂલ નહીં? નહીં નહીં, વો નહીં, જો યે દિવાલી કી 4 છુટ્ટી આની ઉસમે ક્યા કી સન્ડે લગાતે તો કી છુટ્ટી આગળ જતા કંપની અપને સોસો મે તો સર યે ચીજ કરતી હૈ ઉસ હિસાબ સે એગ્રી હોતી હૈ યાની કે જબરદસ્તી કામ કરા રહે ઓર જો ના 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 બિલકુલ તો નહીં, હા કામ કેવ કરાવે છે આપણે ખાલી પાણી પીયા જઈએ ને તો એવું કે પાણી પીયા નહીં જવાનું, બોટલ જોડે રાખ, પેશાબ કરવા જઈએ તો એવું કે પેશાબ કરવાને કે 5 મિનિટ 2 મિનિટ 5 મિનિટ આપણે કહ્યું 2 મિનિટ કિસને બોલાય 2 મિનિટ ઘૂમ કે વાપસ બોલાને કા સર બોલાય પલટ ક્યું જાતા હો હમ કભી ઝૂઠ નહીં બોલતે સર બોલો લા બધા બોલો ને બોલો ભઈ ઇસકી બાબે બોલો મારી કિસને 2 મિનિટ લગાને બોલો લડકી કો બોલાઓ અરે ભૈયા સબ લડકી કો ભી બોલાય બોલાઓ અરે ભૈયા કુછ દેખો ભૈયા યે દેખો ક્યા કરને ઓકર હોય છે મારા ભાઈ મેં યે કરો એવું કીધેલું છે મેં યે કરો ઇસકો દેખો ये अपना जो काम जाते हैं मैं बोला कि भाई ये काम करना है ये ऐसे चल जाएगा। अरे भैया मैंने आज को भी कहा कुछ सुन सर सर अपने साथ अभी युवा सेना और करणी सेना राजपूत सेना के लखनदाई दरबार है, अभी आयुष्मान कंपनी के पार्टी खड़े आपके साथ बात करना चाह रहे, इनको ज्यादा नॉलेज है। लखन भैया लुणानी एक कंपनी है, लुणानी कंपनी में आ छोकरा ने काढ़ी मुकवामां आवे प्लस 290 રૂપિયા આપવામાં આવે છે, વાત છે 315 290 350 આ પ્રકારની રકમ આપવામાં આવે છે, અને સાહેબ જે છે આપના નામ કહે છે એ સુનિલ સાહેબ આપણી સાથે છે, ઓર યે સર બતા રહે કે 290
या 350 या 340 रुपए जो है उनको स्किल के उनके जो हुनर है उनके मतलब वैसे दिया जा रहा है, क्या बोले? गुजरात राज्य में कोई एवं प्रकार नु मिनिमम वेजिस नहीं के जे 300 रुपया हो 350 हो 400 रुपया 400 रुपया नो पण कोई मिनिमम वेजिस नहीं। त्यारे आ जे कंपनी ना मालिक द्वारा के जेते आ व्यक्ति छे एमना द्वारा 290-315 ने बधा रुपया આપવામાં આવે છે, સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર છે। આ તમામ કામદારોના પૈસાની ચોરી છે અને જે ગેરકાયદેસર જે ભાઈને છૂટા કર્યા છે એમાં પણ નિયમ છે કે નોટિસ આપીને છૂટો કરવો પડે, પરંતુ કોઈને પણ આપણે એકદમ છૂટા કરી નથી શકતા, એ પણ નિયમ છે। પરંતુ મૂળ વાત એ છે કે આ ભાઈને એક ચીમકી આપી દો કે ભાઈ તમે વહેલામાં વહેલી તકે આ લોકોને નોકરી પર રાખી દો, અને જે લોકો લેબર માં છે એ લોકો સ્કિલ માં છે કે અનસ્કિલ માં છે કે ગમે તેમાં હોય એમને સરકારી ધારાધોરણ મુજબ એમને સરકારી વેતન આપી દો, અને જો એ લોકો એપ્રેન્ટિસ કરતા જો લોકો ટ્રેનિંગ માં હોય તો ટ્રેનિંગ માં હોય તો એ લોકો જો કાયદેસર નું એપ્રેન્ટિસ ફોર્મ હોવું જોઈએ ભરેલું કે એ લોકો એપ્રેન્ટિસ માં છે, અને એપ્રેન્ટિસ માં હોય ને તો પણ એમને સ્ટાઇપન્ડ આપવું પડે, ટ્રેનિંગ માં હોય તો પણ એમને સ્ટાઇપન્ડ આપવું પડે, પરંતુ એનું ફોર્મ ભરેલું હોવું જોઈએ। જો ફોર્મ ભરેલું ના હોય તો એ લોકો લેબર જ કહેવાય, અને લેબર નો મિનિમમ વેજીસ છે એ એમને ચોક્કસ થી ચૂકવવો પડે, લેબર નો મિનિમમ વેજીસ 300 કે 350 નથી। બબુલ, લેબર નો મિનિમમ વેજીસ કેટલો છે, મિનિમમ રેટ કેટલો છે? 1 રૂપિયા છે અત્યારે, સમથિંગ 461 ની સમથિંગ છે, 491 તા પછી એમાં કઈ વધ્યો? સર આપ ઇસ બાત સે સહમત હો કે લેબર કા મિનિમમ? તો સહમત હે, મતલબ 461 મિલની છે वो बोल रहे सके आपकी कंपनी है सर, आपको भी बता रहे बाबू। आज ये छे ये कंपनी ना एमडी साहब छे, एमडी साहब ने कही रहे आपसे बात करे। नमस्कार, ये जो अभी अभी जो आपके वहाँ पे जो लोग लेबर में काम कर रहे हैं तो उसको तो गुजरात गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस तो मिलना चाहिए ना? अच्छा हाँ, तो उनको गवर्नमेंट का जो भी मिनिमम वेजेस है 461 समथिंग है तो उसको गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस। और दूसरी बात, ये जिसको भी आपने निकाला है ना उसी के अंदर ही आती है। हेलो, जिसने जिसको भी आपने निकाला है उसको अपने एकदम कैसे निकाल सकते हैं? दिवाली सर पे है। नहीं निकाला साहब, उसको एकदम नहीं निकाला, उसको वार्निंग देते रहते भैया काम ढंग से करो, और अपना वो उसको कुछ बात बोलते है वो सुनता नहीं, आगे निकल जाता है। उसको नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर बात ये है कि अभी दिवाली का टाइम है, दिवाली आगे है तो उसको काम पे रख लीजिए। मैं रख लूंगा साहब, लेकिन ये बदमाशी तो नहीं चलेगी ना? देखो ऐसा भी तो आप भी कंपनी चलाते होंगे ना, कोई आप भी कोई कंपनी चलाते होंगे ना सर? नहीं, मैं सोशल वर्कर हूँ और करनी सेना का गुप्ता सोशल वर्कर सर। जो भी कंपनी चलाते हैं सर उसको भी तो थोड़ी इज्जत होती है, नहीं होती है सर? नहीं, वो बात बराबर है, पर अभी क्या है कि अभी उसने जो भी गलती की हो उसको थोड़ा वो माफ करके उनको वापस नौकरी पे लग दिए, क्योंकि दिवाली का समय है सर। ठीक है, अब काम करेगा तो ढंग से तो हम रखेंगे, काम करेगा बात मानेगा तो रखेंगे सब। नहीं, वो करेगा, वो करेगा, वो भाविन भाई जवाब बात कर लीजिए उनसे, हम रख लेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं। लखन भाई अत्यारे आपणी पासे आ ज्या छोकरो छे आ छे मयूर छे, अने नंबर छे मयूर जोड़े अत्यारे वात करी रह्या छे, अने बीजा पण घणा बधा छो। जी ભાઈ, બે તમે એની જવાબદારી લઈ લો કે આ કામ કરશે અને નોકરી પર મુકાઈ દો, એ ભાઈ કીધું છે નોકરી એની સાથે હું વાત કરલો છું બાબુ, પણ ઘણા બધા કામદારો છે તેમનો પીએફ પણ નથી કપાતો અને બીજા બધા પણ ઇશ્યુઝ છે, તેને લઈને અત્યારે વાતચીત કરી રહ્યા છે। જો નહીં શોર્ટ આઉટ આવે તો આપને બોલાવી શકું પણ અહીં આગળ આવજો, એ ભાઈને ફોન આપો। હાજી બોલીએ બોલીએ સર। હાજી, આપને જો પીએફ હે ઈએસઆઈ હે જો ભી હે વો તો કટના ચાહીએ ને, વો ઓફિશિયલ હે સર? બિલકુલ 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 कर दीजिए, वो शुरुआत कर दीजिए। हाँ, शुरुआत वो तो हमने शुरुआत की हुई है, बाकी इनका जो अपना जो लेबर में आता है उनका अप्रेंटिस किया, हमने अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे सर। हाँ, और जो अनस्किल्ड है उनको जो है हम अपना अप्रेंटिस के जो है कल जाके उसके फॉर्म भरा देते हैं, जो स्किल्ड वर्कर है उसका जो जिनके पास सर्टिफिकेट है वो अपना स्किल्ड में आ जाएगी, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो मैं अप्रेंटिस में ले लूंगा सर। मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि जो भाई इधर आओ भाई साहब, सुनील भाई हेलो भाई, ऐसा नहीं करने का सुनील भाई, नहीं ऐसा नहीं करने का। देखो ये फिर ये कैसे कर रहा है काम, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो रूटीन रखते हैं सब अपने काम में, मैं सब बता दूंगा सुनील भाई। हां जी बोलिए, मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो भी होता है वो सब कीजिए, अपने को गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं चाहिए रेट के ऊपर और कम भी नहीं चाहिए, जो भी गवर्नमेंट देती है उनको उतना दीजिए। आप ऐसा बोल रहे हैं, एक सेकंड सर मैं बात कर लूं प्लीज। हां जी, क्या कह रहे हैं सर आपको?
ऐसा बोलता हूँ कि गवर्नमेंट के जो नियम अनुसार है वो सब कीजिए, नियम के ऊपर भी मत जाइए, नियम के नीचे भी मत जाइए। सरकार के नियम है, मेरे घर के नियम नहीं है, आपके घर के नियम नहीं चलेंगे। सरकार के नियम चलेंगे। लंच पे ये सब बाहर जाते हैं खाना खाने। हाँ जी सर। सुनील भाई मैं आपको ऐसा बोलिए कि सरकार के जो नियम है उसके अनुसार जो भी मिलना चाहिए वो आपको देने का ये हमें पता ना। फटाफट छुपावाना फिराक में बधी छोकरी ने अत्यारे 18 वर्ष थी नीचे नी छे तेने अंदर संताड़वानुं काम कर्युं छे ए गभरी ने अने बधा निकली गया छे शुं छे हकीकत તાત્કાલિક તમે જે તે અધિકારીઓ ને જાણ કરો અને જણાવો કે આવી રીતે આ પરિસ્થિતિ ની બીજી વાત બાબુ ગુજરાત અને જે પણ આપણે વ્યુઅર છે એમને બધાને કહેવા માંગુ છું કે જો તમારી કંપનીમાં સરકારી રેટ ના આપતા હોય, પીએફ ના કાપતા હોય, ઈએસઆઈ ના આપતા હોય, આ બધી જો સરકારી સુવિધા ના આપતા હોય તો ચોક્કસ થી ડર્યા વગર બોલવાનું રાખો, લડવાનું રાખો, આંદોલન કરો, કાયદાકીય વાત કરો। બાબુ અત્યારે અધિકારી સાહેબ નો ફોન કરી લઉં છું અને પછી આપને પણ ફોન કરું છું। ચોક્કસ એટલે મિત્રો આ પાદરા તાલુકાના લુણા ગામની આ બીટીએલ કંપની છે, બીટીએલ રિસર્ચ લેબ છે અને એની અંદર જે તે કામદારો સર બાત તો અપની હુઈ અપને ક્યા ડિસિઝન પર ક્યા હે ક્યા ડિસિઝન લેંગે યે પહેલે તો યે લડકે કા હે ઇસકે જો ભી ઇશ્યુઝ હે અપને બેઠ કે સોર્ટ આઉટ કરતે ઇસકી જો ભી ગલતિયા હે શાયદ કી ભી હોગી મેં મના ભી નહીં કર રહા હું ઇસકો સમજાયેંગે ઓર જો ભી કરના હે અપને કરેંગે ઠીક હે મેં ઇસકા આપકો ભરોસા દેતા હું કે અગલી બાર યે ગલતી કુછ ભી નહીં કરેગા આપ જો બોલ રહે મોબાઈલ વગેરા કુછ ભી હે લેકિન ઇસકો અપને દિવાલી કે સામને નહીં એસા કરના ચાહીએ ક્યોંકિ સામને દિવાલી હે आप जान रहे हो कि दिवाली में कितने पैसे की जरूरत होती है, कपड़े भी चाहिए सबको, सब कुछ चाहिए, तो अपने इसको निकालना तो है ही नहीं, तो आप पहले तो ये बता दें इसको ले रहे हैं इसको ले रहे हैं। और ये नहीं नहीं सर, ये अभी जो पहले भी कई इश्यूज है सरकारी रेट कर दीजिए। मेरी बात अप्रेंटिस तो कोई है ही नहीं, इधर कराऊंगा ना मैं अप्रेंटिस तो इधर कोई है ही नहीं, अप्रेंटिस मैं कराऊंगा। अच्छा ठीक है, जो सीखा हुआ है मतलब जो सीखने आए जो सीखे जिसके पास सीखने आते हैं जिसके पास सर्टिफिकेट है मैं उसको लूंगा जी, अपना रेगुलर में जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है मैं उसको लूंगा अप्रेंटिस में, अगर वो काम करना चाहता है करें नहीं करें मतलब आज तक अपने अप्रेंटिस में एडमिशन नहीं किया लेकिन अभी फॉर्म भर के करेंगे कर देंगे अब आज से कर देंगे कर देंगे और इसको भी ले रहे हैं। और जो सैलरी का इश्यूज है जो लोगों को जो स्किल है जो स्किल वाले उनको हम सरकारी रेट आज से देंगे देंगे तो लेबर है ना सर आप आपके जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला 200 रुपए दे रहे। देखो सर इस लोग डर रहे हैं आपके सामने बोलने के, मैं पीछे चढ़ गया सुन कर आप कौन है तो अपना 300 ये ले रहे हैं तब ये लेबर में आता है उसको हम अप्रेंटिस में लेंगे मेरे सामने सभी लेडीज को सबको सबको भगाया उसको क्या बोल रहे भगाया वो क्या मेरे पास जो बात है कि अप्रेंटिस में लेना है उपा दिया बोलू तो चलेगा चलो नहीं कोई बात नहीं कह रहा हूँ कि ये अपना वो तो क्या है कि वो तो मुझे आप बताइए आपको ये लेडीज का डर है कुछ सच बोल जाए ना ना कुछ तो कह रहा हूँ उसकी बात इसका हम बैठ के सॉल्व कर लेते हैं भैया ठीक है ये काम करने आता ढंग से तो करेगा और मैं जो जिसके पास सर्टिफिकेट है सरकारी मेरी आपसे एक ही बात जिसके पास सर्टिफिकेट होगा सरकारी सीखा हुआ होगा वो मैं लूंगा रेगुलर में जो सीखा हुआ नहीं है उसको मैं लूंगा अप्रेंटिस में अगर वो काम करता है ढंग से तो मैं उसको लूंगा सर पैनल में नहीं तो वो अप्रेंटिस मिलेगा फिर उसको कहीं भी जाके नौकरी कर सकते ये हमारी ले मित्रों અહીંયા કા ટૂંકમાં વાત એવી છે કે આ બીટીએલ કંપની ની અંદર અત્યાર સુધી કોઈ પણ છોકરાઓ જે કહેવાય કે એપ્રેન્ટિસ માં હતા જ નહીં અને તેઓને ડાયરેક્ટ 200 રૂપિયા 250 રૂપિયા 290 રૂપિયા પગાર કેવો લે સર 290 लड़कियों के आप दे रहे हो 290 सर वो क्या है कि उनका उनका टारगेट के ऊपर लेबर के ऊपर है जितना वो कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हो उतना जितना काम करेगा उतना उसका सैलरी जितना वो आधा दिन आपको लड़की को बोला और सबके आपको लेकर लड़े बस 80 रुपया से बचा रहे जो बोलेगा आप बोलो सेटलमेंट करें
ये ऐसे बात करें तो क्या सेटलमेंट करेंगे बताओ, ये कुछ बताना जा रहे हैं लेकिन बताना क्या, मैं बता रहा हूँ सब लेडीजना चाहिए 80 रुपया से जितना काम करते हैं उसके ऊपर ये वो कसूर है अपना टारगेट है एक 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 रुपया एक पैसा देते हैं हम। बात सुनो मेरी बात सुनो, देखो है एजिड है तबीयत खराब हो रही कुछ और मतलब नहीं सेटलमेंट हो सेटल में हूँ कौन तो ऐसी वार्ता पूरी कर दी हमें थोड़ा काम कर लेकिन मैं इनको आपकी कंपनी में भी नहीं है नहीं मैं ये कह रहा मैं देखिए ये मेरे गांव के लोग हैं मेरे तालुका के इनके लिए मैं करना मैं कर दूंगा मेरी जरूरत आ रही है मुझे करना है आप ताजे ना मैं कर दूंगा मैं कुछ एक्स्ट्रा तो कर रहा हूँ मैं इधर कोई दंगा कर नहीं रहा हूँ इनको बोलने पड़ता नहीं रहा हूँ मैं ये कह रहा मैं कर सिंपल रीजन है सरकारी रेट उनको दिलवाना है अप्रेंटिस में मिलना था सरकारी रेट में दूंगा ठीक है अप्रेंटिस वालों को अप्रेंटिस का दोगे सरकारी रेट वाले को सरकारी सर्टिफिकेट होगा आपको पास सर्टिफिकेट जमा करा दे मैं उसको सरकारी पीएफ वगैरह जो भी इशू आज छोटा होगा पैसे तो मिले बदल रही है जो अप्रेंटिस वाले है उनको नहीं मिलता जो अपना पक्के में उनको मिलता है उनको क्या है कि सवाल तो इसमें पे जो आईएमडी सर से एमडी सर से बात करी शॉर्ट आउट कर लिए ये लोग मुझे बार बार बोलते हैं समझो सर आज ही फोन है वो किसका है आजकल तो मैंने कभी भी आपको देखा मेरे भी कम से 25 साल से यहाँ पे सर हर बार है सब मैं आप मेरे को पहली बार मिले ना सर कितना साल काम ही नहीं होता मैंने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है प्रॉब्लम तो इसकी थी सर ये तुम्हारे कोई कैसा प्रॉब्लम देख ले करोगे कर दिया तो साल में पीएफ मरे हो फिर नहीं मरे हो देखो ये जो है मेरे पास इसका फाइव दोबारा पर हाथ नहीं मुको देखो सर उसका अच्छा एक सेकंड अभी आप 61 रुपये कौन से छोड़ रहे हैं पीएफ ही कटेगा लोकल गांव का भी कटेगा और ईएफसी भी सरों का फाइन जो है वो मैं देता हूँ सर मैं दे रहा हूँ देखो ऐसा बोल रहे हो आप पीएफ काटते ना उसको पगार में दे दे पगार में सैलरी में दे दे सैलरी में ऐड करके दे रहा हूँ सर अब कुछ कितना नहीं लेता ये क्या पाँच सौ किस पैसे 400 जैसे का कट गया 100 रुपया कट गया फ्री ऑफ हमने इसका काटे नहीं बताया पीएफ हटना चाहिए नहीं ना पीएफ पे दे रहे हैं फंड क्या होता है वो ये बताइए ठीक है सर दे तो रहे हैं पीएफ क्या होता है अब आप सर आप बात मैं समझ गया आप बढ़ा के दे रहे हो ये बोल रहा हूँ कि पीएफ जो सरकार ने किया है प्रोविडेंट फंड वो क्या होता है हिंदी में बताए तो बचत होती है मुझे तो इतना पता है तो इनको बोलता भी तो बचत तो करनी चाहिए तो वही करना चाहिए अपने मैंने इनको बहुत बार पहले भी बोला था हमने कोशिश भी की थी जी ये लोग पैसे कटेंगे पीएफ के तो उनके कटेंगे पैसे हम लोग हुआ तो भाई पीएफ पैसे कटा हुआ तो एक बात पक्की है साहब कंपनी में जो सर्टिफिकेट लेके आएगा उसको मैं रखूंगा बाकी जो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो जाएंगे अनस्किल तो सर आप उसमें ले लो उसमें चार महीना से भी ये काम करा उसका सैलरी भी इतना है तो अभी एक महीने इसने 3 साल को आप बोले अप्रेंटिस कर दिया होगा तो मैं उसका सैलरी अच्छा हो जाता है उसको समझ आ गई ना भाई आज ही हो ना 22 साल में तो कुछ आगे बोला नहीं इसने आगे बोला अभी जो है जो अनस्किल्ड में जाएगा वो उसको दे देंगे भैया अप्रेंटिस में जो अपना सर्टिफिकेट लेके आएगा जमा करा देगा मैं उसको सर एक दिन में कौन सर्टिफिकेट ये तो आप नौकरी से निकालने की बात है नहीं मैं रखूंगा अप्रेंटिस में रखूंगा ना सर 40-45 मैं उसको अप्रेंटिस में रखूंगा ना आप कंपनी बोलती है सरकार बोलती है अप्रेंटिस में रखो भाई जो अनस्किल्ड है जो लेबर दिखने वाली है सुनते तो 3 साल में थोड़ी है बंदा लेबर में काम कर रहा होगा सर इनको ऑपरेटर अब सर्टिफिकेट लेके आएगा तो मैं दूंगा अब सिखाया भी कम कर
नहीं है ना तब बात तो नहीं मिल रहा सीखने को। सिखाने का भी पैसा लगता है, नुकसान होता है सिखाने में, वो सब तो हम बर्दाश्त करते हैं। अब तो कल कर देंगे सब सब कल जो हमारा डॉक्यूमेंट है जो भी डॉक्यूमेंट मिलेगा ये बंदा काम करता है अगर मशीन खराब हो जाए ना तो ठीक से ना कर पाए, उसमें हमें बाहर ही जाना। ऑपरेटर जो है जो मशीन ऑपरेट करता है ऑपरेटर बोलते हैं, नहीं वो रिपेयर करता है उसको थोड़ी ऑपरेट, हम इस पर रिपेयर करने के लिए तो बाहर ही जाना पड़ेगा। हाँ ये तो गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर है, गाड़ी रिपेयर करता है वो थोड़ी ना ड्राइवर है। एक बात आपकी, अभी जो है हम जो अप्रेंटिस में रखना चाहेंगे जो सब ये बोल रहे हो कि वो चलाए भी गाड़ी और पॉसिबल बात को घुमाओ मत जी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बोल रहे वही बोल रहा हूँ मैं, ये आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया जो आदमी मेरी कंपनी के अंदर है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, 3 साल का बंदा है, 3 साल से काम कर रहा है, इतना ऑपरेशन आपका काम कर रहा है, इसको सरकारी रेट दे दो बात खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा कोई मैं कुछ चाहता हूँ तो मैं देखूंगा आप ऑपरेटर कैसे, आप समझ गए अमन 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 आप एज वाले उन्होंने बोला मुझे अब आपसे बात करने में मुझे डर लग रहा है। बात ये है कि जो सर्टिफिकेट किसके पास होगा सर, अभी न तो बात क्लियर होगी ना, आपने अभी जो कानून सिखाया तो हम सीख के कानून आपकी बात कर तो उसको हम रखेंगे सरकारी में, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो सीख उसको अपने अपने किसी को निकालना नहीं है, निकालने वो किसी को ऐसा मत करिए, अमन भाई मनन भाई आपने जो भी फोन कर दिया किसी को निकाल लिया, मेरे भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने आप बोलो सर तो हम खत्म करेंगे, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा मैं उसको दिवाली पेपर पे दिए चलने को निकालना नहीं है, मेरी बात सुनिए किसी को परेशान नहीं करना है, जिसकी आप जो भी लेवल है उसको सरकार ने दे दो, जिसका लेवल बात कर रहे हो ओके है जी, उस हिसाब से उसने बात नहीं किया वो ओके नहीं है, उसको मैं समझा ले रहा हूं इस बंदे को, मैं समझा ले रहा हूं उसको, कोई इश्यू छोड़ दे आपका जो भी इश्यू छोड़ो आज हम छोड़ जाओ, मैं तुम्हारा इश्यू नहीं ना होगा ना, आप इनका नंबर ले लो कल इनको बता देना मैं, ठीक है बस मेरा पाए बाबा बात है। हेलो मित्रों टुकमा प्रॉब्लम सॉल्व, आप सर सब सबको भी बता दीजिए क्या प्रॉब्लम सर, ऐसा है कि जो लड़के मेरे पास कंपनी में काम करते हैं और जिनके पास सर्टिफिकेट होगा वो मैं लूंगा अपना सैलरी में, अभी जो अनस्किल वर्कर है मैं उनको लूंगा अप्रेंटिस में, जो गवर्नमेंट का रूल है मैं उसके हिसाब से दूंगा, अभी तक हमने नहीं लिया था लेकिन फॉर्म भर देंगे, फॉर्म मैंने अप्रेंटिस से ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, आज की तारीख में भी मैं अप्रेंटिस से ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, लेकिन ठीक है आप कहते हो कि अप्रेंटिस होना चाहिए तो अप्रेंटिस करा देंगे, थैंक यू साहब कई दिन होना आज कर दीजा ठीक है सर, मित्रों बधु अहीं आगळ जे તે કામદારો નો જે પણ ઇશ્યુ હતો એટલે ઓલમોસ્ટ શોર્ટ આઉટ થયો, એમડી ને બહાર બોલાયા હતા આપણે ગેટ પાસે કંપની માં, પણ આપણે કોઈ પણ પ્રકારની ચર્ચા કરવા માટે કંપની ને ગેટ ની અંદર પણ આપણે ગયા નથી, અને બહાર થી જ આપણે જે તે વાતચીત કરી છે અને કહી જ દીધું છે ઉપર મયુર, આ મયુર જે છે આ મયુર નો ઇશ્યુ હતો, મયુર ને કંપની માંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હવે એમડી સાથે વાતચીત કરીને તેને લઈ લેવામાં આવશે, સાથે સાથે સર્વ સમાજ સેનાની જે જવાબદારી મળી છે બીએન ન્યૂઝ ગુજરાતી માં જે તમે મને પ્રેમ આપ્યો છે એને જ લઈને આજે કંપનીમાં જે જે પણ ઇશ્યુ હતા પગાર બાબતનો, પીએફ બાબતનો, બોનસ બાબતનો, એ તમામ ઇશ્યુઝ અત્યારે સોર્ટ આઉટ કરવામાં આવે છે, અને ભવિષ્યમાં પણ બીટીએલના લોકો જો કદાચ કોઈ પણ કામદારને હેરાન કરશે, પરેશાન કરશે, કાઢી મૂકશે તો જોવા જેવી નથી।